यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है ब्रांड न्यू गैक्स वेगास की वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गए थे, मतलब कि क्या कहते हैं, हाँ, एक कैसीनो में गए थे थोड़ा पैसा वैसा उड़ाने के। गेम में बहुत पैसा आ गया था, बहुत पैसा आ गया था गेम में। तो ना जैसे कैसीनो में गए, वहाँ पे एक वुमेन थी, उसने मतलब बेट लगाई, तो हम लोग जैसे जेसन गुस्से वाला है ही, तो उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी, तो पूरी लड़ाई हो गई। अब भाई वो डेविल निकली, हम लोग को जैसे लास्ट में भागते भागते कैसे तैसे करके हम लोग को एग्जिट मिली, एग्जिट लॉक कर दिया मैंने, एग्जिट पीछे वाली एग्जिट मिली। जैसे हम लोग गए वहाँ पे, वो आ गई हम लोग को लेके पाताल लोग में, हम लोग को धमकाने लगी। अब भाई हम लोग का भाई जो इतना समय चल रहा ना, बहुत बेकार चल रहा था मैम, तभी लेकिन हम लोग काम करेंगे, तभी काम हम लोग करेंगे, करके ही रहेंगे। तो ना तभी हम लोग जैसे कि आए वैसे उधर उधर ऊपर करते 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 उससे बतियाते बतियाते हम लोग कहे हो जाएगा ठीक। उसने मुझे हम लोग को वापस भेज दिया अपने वर्ल्ड में कि मेरा ये काम करके रहो तुम। तो उसी काम के लिए मतलब उसने ना एक मिलिट्री टैंक निर्माना है। अब भाई वो भूत तो लोक में क्या मिलिट्री टैंक का क्या करेगी, वो भी कोई नॉर्मल मिलिट्री टैंक नहीं, एक वहाँ पे दो मिलिट्री टैंक रखे हैं, वो एकदम बेस के अंदर। उसका मुझे पासवर्ड नहीं पता, इसलिए मुझे पीछे कैसे जाना पड़ेगा पता नहीं। अब वहाँ जाके पता चलेगा उसका डोर जो है वो ईमेन ने बुलाया है, वो ईमेन ही हैक करके देगा उसको, वो ईमेन ही हैक करके देगा। वो जो अपनी दोस्त है ना कायरा, कायरा से वो कहेगा हैक कर दे, क्योंकि वो कायरा जो है ना GTA 5 की लेस्टर है, लेस्टर की पत्नी है, जैसे लेस्टर की पत्नी। तो वहीं हम लोग ईमेन के पास जा रहे हैं, हम बातें करते रहते, ईमेन के पास पहुँच भी चुके हैं। आज हम लोग बुगाटी अपनी फिर से निकाले हैं, अब बुगाटी चलाएंगे थोड़े दिन तक, जीवाएंगे नहीं नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं ईमेन के पास, ईमेन से हम लोग की बात हो रही है, पता नहीं क्या है हॉस्पिटल में, मतलब इसको थोड़ी इंजरी हो गई थी पिछले, जैसे कि वहाँ से हम लोग लेके गए थे ना उसको, उठा के लेके गए थे, तो वहीं से थोड़ी इंजरी हो गई थी उसको। तो हम लोग ईमेन से बात तो कर रहे हैं, पर जैसे कि बोला पीछे का रास्ता जाना, पीछे के रास्ते जाना तो सेफ रहेगा, तो पहले से बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मामला क्या है। हाँ तो गाइस, हाँ मैंने इससे बात कर ली है, इसने कहा है कि हम लोग को ना पहले तो अपनी गाड़ी उठाते हैं, आपको रास्ते में एक्सप्लेन करता हूँ कोई करना क्या है। जैसे कि हम लोग मीटर में इसके पास पहुँचेंगे, वहाँ की पहले हमें सिक्योरिटी चेक करनी है, तो बहुत मेन सिक्योरिटी चेक करने के बाद जहाँ से हमको रास्ता दिखेगा जो कि रास्ता सेफ, उस रास्ते से हम लोग घुसेंगे और धीरे धीरे बंदों को निपटाते हुए जाते हैं। हम लोग को ज़्यादा गन की यूज़ करनी नहीं है, गन को यूज़ किया और भाई फंसे हम लोग, तो यार तो यही प्लान है, मतलब थोड़ा हल्का प्लान है, क्योंकि पूरी मिलिट्री टैंक चुराना यार आसान टैंक काम नहीं है, वो भी टैंक का हल्का फुल्का टैंक नहीं, कहीं बहुत तगड़ा टैंक है, किसी कंट्री से एक्सपोर्ट होते हैं। तो बस मिलिट्री बेस सामने ही है, पहुँचने में टाइम लगेगा अपनी बुगाटी अपने पास, तो जल्दी जल्दी भगाते भगाते चलते हैं और देखते हैं क्या। हाँ तो वैसे यहाँ पे मिलिट्री बेस पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आगे दो टैंक, आगे एक टैंक और दो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे एक टैंक खड़ा है, ये टैंक नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे पुलिस की पहुँच, इसमें के अंदर जो टैंक है ये टैंक हमें चाहिए, यही दरवाज़ा हमें खोलना है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे रास्ता जिससे मैं अंदर जा सकता हूँ चुपचाप, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसको तो मैं भाई सबको सीक्रेटली चक्कू से मार मार, मतलब यही टैंक है जो हमें चुराना है, यही टैंक है। तो बेसबॉल से मार मार के हम लोग सबको निपटाएंगे आराम से। तो ना यहाँ अपनी गाड़ी लेके चलते पहले उसी जगह पे जहाँ से हमें सेफली जाना है, अगर हम लोग मतलब सेफली स्टार्टिंग जाएंगे ना, पता है यार घुसते ही भाई स्टार्टिंग पुलिस लग जाएगी, लेकिन सेफली जाएंगे तो ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी पुलिस आ नहीं पाएगी। तो पहले यहाँ पर चढ़ते हैं, यहाँ हाँ तो गाइस घुसते ही 5 स्टार की पुलिस लग गई, मैं थोड़ा शांति से काम करूँगा, लग गया तुमने दस तारीख ऊपर बैठे आए, मार दे। अब यहाँ चढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग को ना ऊपर जाना है, तो मुझे चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जा पाऊँगा, तब भी नहीं जा पाऊँगा यार, मुझे ऊपर से जाना है, कैसे जाऊँ, अरे मारा है आज की फैंसी जाए तो बता दें, अरे मर भाई, एकदम निकालने का मन नहीं, अगर एकदम तगड़ा चला दिया ना मर जाओगे सबके साथ। तो यहाँ पे भागते भागते आगे आ गए भाई, आगे एक और बंदा है, अब देखते हैं भाई इसको कहीं बचाते हैं, अब चलते हैं जल्दी से अंदर भाई बहुत सारे बंदे हैं अंदर, तो यार और यार फालतू कमर ले लेकर फाइटिंग में पड़ेगी, तो अपना काम करना पड़ेगा भाई, कमर लेकर नहीं है वो
मोबाइल में स्पेशल की बेस्ट टूट गई क्या, मुझे सिर्फ रन मार रहा है, मेरे पास मेडिकेट भी नहीं बची, मेरी बेस्ट टूट गई है, क्या बताया भाई। टैंक वहीं पर टैंक वहाँ देख रहे हो ऊपर पड़ा उस तरह, तो मुझे ऊपर जाने का पहले रास्ता ढूंढना पड़ेगा यार, क्योंकि रास्ता दिख नहीं रहा है मुझे यार। पीछे से पुलिस मारी जा रही है, मारी जा रही है, क्या ही करूँ। इन लोग का ना बैंड तो बजाना ही पड़ेगा। एक बार बस मुझे वो ट्रक दिख गया है, मैंने यार सब बंदों को निपटा के यहाँ पे एक जो लॉक का होता है, क्या कहते हैं लॉक जो होता है वहाँ पे सेफ का जहाँ पे टैंक रखे हैं वो मैंने खोल दिया है। अब जल्दी चलते बिना इन बंदों से लड़ू वड़ूंगा नहीं, मैं फट से सीधे चलेंगे वहाँ पे टैंक चुराएंगे और ले जाएंगे। यही टैंक है, खुला है रास्ता, तो फट से चलते टैंक, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टैंक चुराने में। तो क्या कहते हैं टैंक में चलो बैठो 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 जल्दी बैठो, बैठ जाए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है यार, टैंक में बैठ जाए, तुरंत बाहर निकल देते हैं। अभी गेट खोलो, गेट खोलो पे यार, गेट ही नहीं खुला है, क्या बताऊँ। अबे यार यहाँ पे भी और बंदे आ जाएंगे, दिक्कत देंगे, टैंक का टैंक खाली यहीं से निकल नहीं सकता है यार। गाइस यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, टैंक कहाँ से निकलेगा। एक तो दरवाज़ा मैंने पहले नहीं खोल के रखा है, टैंक कैसे खुलेगा, खुल जा टैंक, अरे मतलब दरवाज़ा सॉरी टैंक बोल रहा हूँ, खुल जा दरवाज़ा यार, खुल जा, नहीं खुलेगा। हमको लगता है ना एकदम तेज़ी से चला के आता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं यार, हेल्थ बहुत कम है। मैं टैंक में बैठा हूँ इसलिए मुझे कुछ हो नहीं रहा है, नहीं तो मैं मर गया था, देख सकते हो यार कोने में हेल्थ बहुत कम है। एक काम करता हूँ जाके फट से ठोक देता हूँ टैंक, टूटेगा तो जरूर, तब भी नहीं टूटा, गोली लगो। अबे भाई गोली से टूटना तो पहले बता दें, अभी यार मिलिट्री बेस जल्दी से स्केप करना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे बंदे हैं, और मेरे टैंक भी रस्ते रस्ते में रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा मेरे पास रिपेयर किट है, यहाँ से बाहर निकलते हैं मिलिट्री बेस से, बस बाहर निकल जाए अपना काम हो जाएगा, अपना फाइव स्टार पुलिस की पुलिस छुड़ाने की अपनी भाई रोज की आदत हो गई, नॉर्मल ही बात है यार ये तो। फाइव स्टार पुलिस रोज मैं एक काम छोड़ा, मैंने पुलिस को छुड़वा दिया है पुलिस से अपने पीछे। अब चलते हैं ईमेल के घर पे, ईमेल वहीं बाहर वेट कर रहा है, तो हम लोग उसको टैंक दे देते हैं, वही टैंक ले देगा उसको जिसने टैंक मांगा है। तो यार ईमेल से हमारी बात हो गई है, तो उसको मैंने टैंक दे दिया। तो यार आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया यार, टैंक चुराने को मिला मिलिट्री बेस से, टैंक चुरा लिया हम लोग ने, क्या बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब और सॉरी वीडियो का लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।